हाय गाइस, तो आज की वीडियो है मिज़ैन का बर्थडे व्लॉग, बिकॉज़ हमने ये ट्रिप प्लान करा मिज़ैन का बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे ननिहाल और ददियाल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो ये वही दिन है जहाँ से हमने लास्ट ब्लॉग छोड़ा था, द डे वी लैंडेड इन बैंगलोर। तो मिज़ैन इज़ गेटिंग ऑल द लव फ्रॉम दादा दादी एंड इट्स मिज़ैन्स बर्थडे टुमारो मॉर्निंग। सो हम लोगों ने ऑनलाइन एक कंपनी से ये डेकोरेशन बुक करवाई थी एंड हमने उन लोगों को बुला लिया था। 2 घंटे लगे उनको ये पूरा डेकोरेशन करने के लिए। और एक तरफ घर में पूरी तैयारियां चल रही हैं और मिज़ैन दादा दादी को इम्प्रेस करते हुए, अपने स्किल्स दिखाते हुए कि वो दादा की मालिश कर रही है, सर में तेल लगा रही है, सर दबा रही है, और दादा बहुत ही खुशी से अपने आप को पैम्पर करवा रहे हैं पोती से। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट डन नाउ, सो विल शो यू द फाइनल लुक। हमने यूनिकॉर्न की थीम रखवाई है इसके सेकेंड बर्थडे पे। हम लोग एक्चुअली बाहर ही करना चाहते थे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, बट बिकॉज़ उसका बर्थडे सैटरडे वाले दिन है और कोई भी रेस्टोरेंट वाला डेकोरेशन के लिए रेडी नहीं हो रहा था कि मिनिमम 30 या 50 लोग होने चाहिए तभी वो सेपरेट प्लेस देंगे रेस्टोरेंट में, वी जस्ट वांटेड अ कॉर्नर जहाँ पर एक वॉल पे हम डेकोरेशन करवा सकें। बट क्योंकि हम लोग कल रात को ही लैंड हुए हैं और हमारे पास टाइम नहीं था इतना ग्रैंड लेवल का फंक्शन करने के लिए, सो वी डिसाइडेड कि विल कीप इट अ क्लोज अफेयर और सिर्फ फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, सो वी कैन गेट टू स्पेंड सम फैमिली टाइम। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, बट ये इनकम्प्लीट है बिकॉज नीचे का जो पार्ट था वो हमने उससे बोला कि आप मत करिए, रहने दिए, बिकॉज बच्चे फिर वो सारा ख़राब कर देते पार्टी शुरू होने से पहले ही। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि केक कटिंग इसके घर पर ही करते हैं और डेकोरेशन घर पर ही करवाते हैं, एंड डिनर के लिए विल गो आउट। तो ये है मिज़ैन की ड्रेस एंड उसके साथ ही उसकी हेयर एक्सेसरीज। वी विल रिवील मिज़ैन्स फाइनल लुक इन अ बिट। ये है मिज़ैन का बर्थडे गाउन जो कि मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड लेकर आई थी उसके बर्थडे से 2 महीने पहले ही, कि मैंने ऑलरेडी उसका बर्थडे गाउन ले लिया है और इसकी बैंगल्स भी मेरी एक दूसरी पाकिस्तानी फ्रेंड है वो लेकर आई थी। तो सब लोग मिज़ैन के बर्थडे के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हर कोई उसके लिए कुछ ना कुछ एडवांस में ही लेकर आ गया था। एंड बैंगलोर का हमें क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है इसलिए हमने उसके लिए कोई स्पेशल फैंसी केक नहीं बनवाया इस बारी, बिकॉज़ वो टेस्ट में बहुत रिस्क होता है कि कैसा होगा कैसा नहीं। और एनीवेज का हम एक और बर्थडे दिल्ली में भी सेलिब्रेट करने वाले हैं तो वहाँ पर हम इसके लिए एक स्पेशल केक बनवाएंगे। बट मिज़ैन का जो नॉर्मल रूटीन है कि वो आफ्टरनून में लंच के बाद दूध पी के सो जाती है, आज वो नहीं सोई और शाम को केक कटिंग के टाइम जब सब लोग रेडी हो गए थे तब सो गई और फिर हमें उसे उठाना पड़ा, तो वो कच्ची नींद में उठ के बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रही है जिसकी वजह से हम उसका कोई फ़ोटो शूट भी नहीं कर पाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिज़ैन बिल्कुल भी बर्थडे के या पार्टी के मूड में नहीं है इस टाइम पर, जबकि वो पूरा दिन इतनी एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, बट अब क्योंकि वो नींद से उठी और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड या हैप्पी नहीं लग रही है। बट थैंकफुली शी इज़ नॉट अ वेरी क्रैंकी चाइल्ड, तो वो परेशान नहीं करती है, रोना धोना नहीं मचाती है बाकी बच्चों की तरह। और मिज़ैन ने इस बारी खुद अपने हाथों से पहली बार केक कटिंग करी। Yeah!
एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मिजेन ब्लू द कैंडल एंड शी वॉज सो हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट. और हमें इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज अब उसको सब कुछ समझ आ रहा था बिकॉज वो कार्टून्स में देखती है कि बर्थडे क्या होता है, केक कटिंग कैसे होती है, कैंडल को कैसे बुझाया जाता है. और इस बार हमने उसे फर्स्ट टाइम उसके बर्थडे का केक भी खिलाया बिकॉज इससे पहले उसका जब फर्स्ट बर्थडे था तब शी वॉज जस्ट वन, तब हमने उसे केक नहीं खिलाया था. एंड एवरीथिंग फेल्ट सो स्पेशल बिकॉज हम लोग अपनी फैमिली के साथ थे. उसका बर्थडे हम इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारी पूरी फैमिली सब साथ थे. मिजेन इतनी एक्साइटेड थी, खुश थी, उसको सब समझ आ रहा था कि कौन कौन है, उसका बर्थडे मनाया जा रहा है. और जो लोग बाहर रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब अपनों के साथ कोई भी आप ओकेजन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा स्पेशल और कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल होती है. और अब शुरू हुआ है गिफ्ट्स देने का सिलसिला. और ये है मिजेन के सुपर क्यूट चाचू एंड सुपर ब्यूटीफुल चाची. एंड आई मस्ट से कि मिजेन इतने ज़्यादा लकी है कि इस बारी उसको सब ने बर्थडे गिफ्ट में गोल्ड की ज्वेलरी दी है. एंड शी इज़ मिजेन्स काजिन, माय सिस्टर्स डॉटर हु इज स्टडिंग एंड वर्किंग इन बैंगलोर. जितना ज़्यादा हम स्पेशल बनाना चाहते थे मिजेन का बर्थडे, उससे ज़्यादा स्पेशल उसके पूरे दादा दादी की साइड की फैमिली और नाना नानी की साइड की फैमिली ने बनाया बिकॉज सब लोगों ने मिजेन को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी दुआएं और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए. और ये है मिजेन की बड़ी फूई मसरूर की बड़ी सिस्टर एंड उनके हस्बैंड. एंड आई एम सो हैप्पी कि सब लोगों ने उसको ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जो उसके पास हमेशा रहेंगे ज़िंदगी भर, और वो बड़े होकर देखेगी और उसके लिए वो स्पेशल मेमोरीज होंगी कि जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी, उसका फर्स्ट बर्थडे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया था, तब उसको सब लोगों ने क्या क्या चीज़ें दी थी. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट्स अबाउट द इमोशंस. बिकॉज कपड़े टॉयज तो एज के साथ छोटे हो जाते हैं, तो आप इतनी चीज़ें पूरी लाइफ संभाल के नहीं रख सकते, बट जो ज्वेलरी है वो उसके पास हमेशा रहेगी. इसलिए मैंने और मसरूर ने भी उसको इस बर्थडे पे गोल्ड की चेन दी है और ये इयररिंग्स उसको उसके चाचा चाची ने दिए हैं. And it was super duper cute, but unfortunately मिजेन की piercing नहीं हुई भी, but I can't wait कि मैं जल्दी से उसकी piercing करा कर उसको ये earrings पहनाऊँ. और सारे gifts open करने के बाद हमने जल्दी से सब कुछ wrap up करा because अब हमें जाना है बाहर dinner के लिए. हमने पहले से ही बुकिंग करवाई थी एक बहुत ही अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जिसका एम्बियंस और रिव्यूज़ हमें अच्छे लगे थे, बट जब हम वहाँ गए तो वहाँ का खाना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. तो हम वहाँ से इमिजिएटली उठकर बारबेक्यू चले गए बिकॉज बारबेक्यू इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन. और बुफे में क्या आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको एक चीज़ नहीं पसंद आई तो यू कैन ऑलवेज ट्राई दी अदर थिंग, कुछ और इटालियन, चाइनीज, मुगलाई, बारबेक्यू, पिज्ज़ा, सब कुछ होता है. हालांकि बैंगलोर में हमें बाहर के खाने को लेकर बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज हमें अपना वो ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन मुगलाई टेस्ट नहीं मिल पा रहा है. हमने काफ़ी सारी जगह बाहर ट्राई करा है बट बिकॉज हमारी फैमिली इतने टाइम से बैंगलोर में रह रही है तो अब वो लोग इस टेस्ट के यूज टू हो गए तो दे लाइक बारबेक्यू का खाना, तो इसलिए वी थॉट कि ठीक है. और हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि सबके साथ साथ मिजेन भी यहाँ पर इतना इंजॉय कर रही है. यहाँ पर जैसे ही कोई सॉन्ग आता है तो मिजेन उस पर डांस करने लग जाती है, म्यूजिक पे इंजॉय कर रही है. और यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको देख के भी वो काफ़ी खुश है. और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मिजेन मुझे इतना ज़्यादा बार बार प्यार कर रही है, पैम्पर कर रही है, इतनी किसे कर रही है बिकॉज घर पे वो जब नींद में उठी थी तो बहुत क्रैंकी थी, अब वो एकदम फ्रेश हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया मूड में है. और सब लोग बोल रहे हैं कि लगता है इन नूडल्स में कुछ मिला हुआ है बिकॉज मिजेन को नूडल्स खा के इतनी मस्ती चढ़ रही है, वो इतना हंस रही है कंटिन्यूस. और अगर आप लोग हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आप ये बात जानते होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और हमने मिजेन को आज तक कभी भी बाहर का खाना खाने को नहीं दिया है. उसको कभी हमने सेरेलक वगैरह भी नहीं खिलाया है, उसको हमेशा घर का बना हुआ फ्रेश खाना ही खिलाया है, होम कुक्ड फूड. और आज वो बाहर के नूडल्स पहली बार खा रही है. एंड हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. मिजेन को बहुत मज़ा आता है कैंडल ब्लो करने में और केक कटिंग करने में. और ये उसका आज का तीसरा केक है जो वो काटने जा रही है. और मुझे मिजेन के मुंह पर हाथ रखना पड़ा बिकॉज जैसे ही कैंडल जलती है वो एक सेकंड में ब्लो कर देती है.
and then this happened which nobody expected and that's how it all ended. But we had lot of fun, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें इतने टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके, सबके साथ इतना अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करके. और मिज़ैन को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और हम सबको इतना अच्छा लगा कि मिज़ैन को अच्छा लग रहा है और वो इतनी खुश है. ऑल राइट गाइज, तो ये था आज का व्लॉग. बट मिज़ैन का इस बारी बर्थडे नहीं, बर्थडे वीक चलने वाला है बिकॉज अभी हम इसका एक और बारी बर्थडे मनाएंगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन इन दिल्ली. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू इंडियंस अब्रॉड.